वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आईबीपीएस पीओ मेन एग्जाम के लिए लास्ट ईयर 2018 में आए हुए मेमोरी बेस्ट मेन एग्जाम के क्वेश्चंस का अपना ही इम्पोर्टेंस है। पहली बार 2018 में ये चेंज हुआ था पैटर्न में। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे और किसी भी बात में SBI PO मेन के क्वेश्चन से कम नहीं थे। ऐसे इसी स्तर के क्वेश्चंस एग्जाम में 2019 में भी आने चाहिए। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ेगा। आइए देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या, किस तरह बदलाव हुआ। मैंने उस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं, उतना स्पेस नहीं था। क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू है, लेकिन सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था जिसके बारे में मैंने जो मूल बातें हैं मैंने पहले लिख दी थी। कहने का मतलब पहले डिफाइन किया गया सिंबल्स को, जैसे एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, एंड का मतलब है लेस देन, दिया हुआ है, स्टार का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, और हैश का मतलब है इक्वल टू और नो रिलेशन। ठीक है, अब क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू क्वांटिटी थ्री दिए हुए हैं और आपको रिलेशन बताना है कि क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू के बीच में क्या आएगा। अगर लेस देन हुआ तो एंड आएगा, और क्वांटिटी टू क्वांटिटी थ्री के बीच में क्या आएगा, मान लीजिए लेस देन इक्वल टू हुआ तो डॉलर आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंड एंड डॉलर जो आएगा उसके मुताबिक। समझ गए, हमेशा वन टू थ्री में फर्स्ट वाला वन टू के बीच रिलेशनशिप होगा और सेकंड वाला टू और थ्री के बीच में रिलेशनशिप होगा, और इसमें से क्या होगा, पेयर्ड आंसर है। देखिए ए में जैसे ये दोनों होगा कि ये दोनों कि ये दोनों, इस तरह से ये है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ठीक है, इस तरह से पेयर्ड आंसर होगा। तो कुछ नहीं है, पूछने का पैटर्न थोड़ा सा अलग तरह से है, अदरवाइज बात तो वही है। क्वांटिटी वन टू थ्री निकालना है, वन टू में क्या रिलेशन है ग्रेटर लेस ईटीसी, और टू थ्री में क्या है, उन्हें वही रिलेशन देना है। तो मूल बातें तो बदलती नहीं है, पूछने का पैटर्न चाहे जो भी हो। आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल होना है, मैं बताता हूं। क्वांटिटी वन में जैसे ये लिखा हुआ है और क्वांटिटी टू में भी है, थ्री में भी है। तो एक बात मैं कहता हूं जिसका मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, वो ये है कि जैसे कोई भी नंबर हो a टू द पावर m और a टू द पावर n, यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है, पावर ऐड होता है यानी m प्लस n होता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है यानी a टू द पावर m माइनस n। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक बात और है कि जैसे आप डिवाइड करें a टू द पावर m, इसको डिवाइड करें a टू द पावर माइनस n से, तो ये जो होगा a टू द पावर m और इनटू करने पर a टू द पावर प्लस n हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ये मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट वहां पर वैल्यूज लिख दे रहे हैं, यानी ये माइनस यानी एक बार माइनस वन और फिर एक बार माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो m प्लस n। तो करें इसका इस्तेमाल, डायरेक्ट करें, बोलिए ठीक है, इसका इस्तेमाल डायरेक्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप आइए देखते हैं, क्वांटिटी वन का यहां तक सवाल है, क्वांटिटी वन है इसका यहां तक सवाल है। इसको तो कम से कम लिख देता हूं, 360 लिखा हुआ है, m टू द पावर 7, n टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 120 एम टू द पावर माइनस 2 एन टू द पावर 3 इंटू 24 एम टू द पावर माइनस 4 एन टू द पावर 4, और ये दिया हुआ है कि m इज ग्रेटर देन 0 एन इज लेस देन 0, इसका इस्तेमाल बाद में होगा। देखिए मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं तो ये डिवाइड होगा 120 से, होगा ना, तो क्या हो जाएगा 3, और ये इंटू होगा 120 से 3 और 3 इंटू 24 72 होगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए 72 होगा, हट जाता हूं यहां से। देखिए इसके बाद m के जो पावर्स हैं, तो देखिए m का पावर m यहां माइनस 2 है और यहां पर डिवीजन है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो m का पावर 7 प्लस 2 हो जाएगा,
और यहां पर क्या होगा, माइनस फोर हो जाएगा इनटू है ना, तो जो पावर है। और एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू देखिए नाइन है ना, यहां पर डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन सब जाना है डिवीजन है ना, तो माइनस थ्री होगा और फिर ये इनटू है ना, तो प्लस फोर होगा। यानी कहने का मतलब 72 एम टू द पावर ये क्या हुआ 5 और एन टू द पावर देखिए कहीं से भी ले लीजिए 10 ऐसे लिखेंगे, देख लीजिए एक बार लिखेंगे। अब एक बात है कि m जो है ग्रेटर देन 0 है, तो m अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो चाहे पावर कुछ भी कर लें, पावर कुछ भी कर लें ऑड इवन, वो तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद n जो है वो नेगेटिव है, n क्या है लेस देन 0 है, मतलब -1, -2, -1/2 लाइक दैट। तो भी अगर हम पावर अगर करें n का पावर 10, तो इवन हो या ऑड हो क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है, ये ऑड है, यहां पर लेस है। नेगेटिव होने का मतलब है कि अगर ये ऑड होता तो माइनस होता और इवन है तो प्लस है। यानी यहां पर चूंकि यहां पर 10 इवन है, तो इसके लेस देन ग्रेटर देन होने से फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आप जरा देखिए ये वैल्यू क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये m तो पॉजिटिव था ही, तो उसका कोई भी पावर कीजिए पॉजिटिव, और n नेगेटिव जरूर है लेकिन पावर इवन है इसलिए वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव। चूंकि m और n का वैल्यू को पता नहीं है, तो क्या वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो पॉजिटिव हो इतना हम कह सकते हैं। अब आइए क्वांटिटी टू, क्वांटिटी टू हम लोग देखते हैं, लिख देता हूं 240 x टू द पावर 9 y टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 60 x टू द पावर 4 y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 x टू द पावर -2 y टू द पावर 3 है ना। एक्स लेस देन जीरो है नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, लास्ट में यूज करेंगे। आइए ये देखिए क्या है, 60 से डिवाइड होगा और फिर 3 से भी डिवाइड होगा, तो 60 से डिवाइड होगा 240 तो 4 और डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको लिखते हैं 4/3 एक्स टू द पावर ये 9 है माइनस डिविजन माइनस 4 होगा और यहां पर माइनस और माइनस प्लस 2 होगा ना, एक्स का पावर डिवीजन है तो एक बार और माइनस तो प्लस 2, और वाई जो रहेगा उसका पावर क्या होगा 7 है -3 और यहां पर माइनस और 3 जल्दी बोलिए। यानी कहने का मतलब 4/3 एक्स टू द पावर ये कितना होगा 7 और वाई टू द पावर वो कितना होगा 1। अब इसका रिलेशन देखना है, आइए पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है क्लियर। अब आइए एक्स इज लेस देन 0 तो ऑड पावर देने से लेस देन 0 हुआ, तो एक्स लेस देन 0 है इसका मतलब ये है कि एक्स का पावर 7 ऑड पावर है वो भी लेस देन 0 होगा, और वाई का जहां तक सवाल है वो भी लेस देन 0 है, तो वाई जो है वो तो लेस देन 0 दिया ही है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ना बोलिए, यानी दिस इज अगेन ग्रेटर देन 0 बोलिए, बोलेंगे बोलिए ठीक है। इसके बाद आइए थर्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी थ्री कर देते हैं इसे, क्वांटिटी थ्री इसमें क्या है, लिखता हूं 48 a टू द पावर 8 b टू द पावर 12 इंटू 5 a टू द पावर 3 b टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 6 a टू द पावर 6 एंड b। फिर रिलेशनशिप है a और b का दिया है कि a पॉजिटिव है b नेगेटिव, बाद में पहले इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए क्या है, डिवाइडेड बाय ए इंटू फाइव है ना, डिवाइडेड बाय सिक्स, तो सिक्स से काटें एट टाइम्स और एट फाइव जा बोले 40, ये है ना ऐसे सिक्स से एट टाइम्स एट इंटू फाइव, ए का जो पावर है वो एट है, यहां पर क्या होगा ए का पावर थ्री है तो प्लस थ्री हुआ, और ए का पावर यहां माइनस सिक्स क्योंकि डिवीजन, और बी बी का पावर ट्वेल्व है इंटू है ना यहां माइनस फोर होगा, और यहां डिवीजन है ना तो माइनस वन होगा, कहने का मतलब 40 ए टू द पावर, ये वाला कितना हो गया 235, और बी कितना हो गया 5 लेस कर दीजिए 7, बोलिए पहले इसको एक बार देख लीजिए होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि रिलेशनशिप ए जो है ए ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ए का जो पावर 5 है वो भी पॉजिटिव है ये वैल्यू, और बी नेगेटिव है, इसके बाद बी जो है वो नेगेटिव है, तो बी तो ऑड पावर है ना, इसका मतलब ये है कि बी टू द पावर 7 नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव होगा कि नहीं बताइए, लेस देन जीरो होगा कि नहीं, पहले देख लीजिए इसको ऐसे करेंगे कि नहीं, क्वांटिटी 1 2 3 तो आप थोड़ा सोचिए, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3 आप सोचिए, ये 2 और 3 में तो बोले पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये बड़ा हो, 3 तो नेगेटिव है तो ये बड़ा हुआ, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है तो हमें क्या मालूम वो 100 हो ये 50 हो ये 50 और वो 50 हो ये 100 हो, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का जहां तक सवाल है नो रिलेशन कौन सा है, हैस, तो नो रिलेशन, यहां नो रिलेशन तो यहां पर लिखते हैं ये था ना नो रिलेशन, यहां पर होता ना नो रिलेशन, लेकिन इसका नोटेशन है हैस इसके जगह पर, और यहां पर ग्रेटर के लिए क्या है तो ग्रेटर के लिए एट द रेट ऑफ, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ हैस एट द रेट ऑफ, तो फर्स्ट में हैस एट द रेट ऑफ बी इज आंसर, बी की हैस एंड एट द रेट ऑफ, बोलिए मुझे बताइए चाहे पैटर्न में जो भी बदलाव हो पूछने का, चीजें तो बदलती नहीं है वो वही रहती हैं, आइए इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर एक बार देख लीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं चाहता हूं उसको डायरेक्ट यूज करूं तो क्या यूज हो रहा हो पहले बता दो, जरा देखिए P Q R एंड N आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले से कह दिया P भी Q भी R भी N भी, दे आर ऑल पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन जीरो, क्वांटिटी 1 P है, क्वांटिटी 2 Q है, क्वांटिटी 3 R है, यानी कुछ नहीं, क्वांटिटी 1 2 3 में जो रिलेशनशिप है दरअसल P Q R में रिलेशनशिप निकालना, P और Q में क्या रिलेशन है ग्रेटर लेस इटीसी Q R में, और n तो या नहीं है तो इसका मतलब इसके वैल्यूज n में आएंगे, तो आप देखिए लिखा भी है p और n में रिलेशनशिप, p इज इक्वल टू समथिंग n, q एंड n में q इज इक्वल टू समथिंग n वेयर n इज पॉजिटिव, r इज इक्वल टू समथिंग n, और फिर रिलेशन निकालेंगे, समझ गए, तो फर्स्ट वाला जहां तक सवाल है उसमें कुछ खास नहीं है तो मैं कर देता हूं, सेकंड के लिए मैं बताऊंगा, तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्वांटिटी 1 का जहां तक सवाल है, क्वांटिटी 1 का जहां तक सवाल है जिसको कि p बोले हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, लिख दूं देखिए p प्लस n होल स्क्वायर माइनस p माइनस n होल स्क्वायर बाय लिखा हुआ है 8pn इंटू p प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें, जब हम ए प्लस बी लिखेंगे इज इक्वल टू, जब हम ए प्लस बी लिखेंगे तो पी पी टू पी हो जाएगा और एन एन कट जाएगा, तो हम टू पी लिखते हैं टू पी, और ए माइनस बी माइनस पी माइनस एन, माइनस पी करेंगे तो पी कैंसिल और माइनस करेंगे तो प्लस एन टू एन, मतलब आप इसको लिख लीजिएगा नहीं होगा तो, यानी क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस पी किया तो ये, और ये क्या है एट पी एन पी प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल टू वन, और देखिए टू 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 फोर ये टू टाइम्स पी एन कैंसिल, तो आप जरा गौर कीजिए पी प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू है ना, तो हम पी प्लस एन सीधा ले लें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होगा, ये यहां आ जाएगा तो वन बाई टू स्क्वायर रूट। अब ऐसा है कि p का वैल्यू हमें चाहिए, तो p का वैल्यू जो आया वो 1 बाई रूट टू, तो इसको हम लोग थोड़ा इजी बना लेते हैं, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट टू इंटू रूट टू, क्यों हम वैल्यूज के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो देखिए ये क्या आएगा, ये वैल्यू क्या होता है 1.414, देखिए 1.414 अप्रोक्स, तो क्या हुआ 707, ये मैं बताना चाहता हूं सिर्फ टू से डिवाइड कर दिया तो बोलिए होगा कि नहीं, तो कहने का मतलब 0.707 माइनस एन। तो अब आप मुझे बताइए पी भी पॉजिटिव है एन भी पॉजिटिव है, तो एन का वैल्यू जीरो से कम हो नहीं सकता, ठीक है, और वन भी हो नहीं सकता, वन डालेंगे तो क्या होगा दिस बाय दिस, मतलब एन का वैल्यू अधिक से अधिक 0.707 हो सकता है बस, ठीक है ये समझ गए, तो ये वैल्यू निकाल के रख लेते हैं बाद में यूज करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या निकाला p का वैल्यू निकाला, तो यहां पर लिख देते हैं कि हमने जो p का वैल्यू निकाला उसके मुताबिक p का वैल्यू आया है 0.707 माइनस n, ये क्वांटिटी वन हमने निकाल लिया, अब हमें क्वांटिटी टू चाहिए, लेकिन क्वांटिटी टू में एक बात है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब अगर हम ए क्यूब को इसको भी ए प्लस बी होल क्यूब तोड़ें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी ऐसे करके लंबा हो जाएगा, और इसका नेचर क्यू प्लस एन और क्यू माइनस एन है, कैंसिल होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि इसको डायरेक्ट यूज करो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू जो है इसका इस्तेमाल करूं, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू प्लस थ्री ए बी ए माइनस बी, इसमें करूं डायरेक्ट लिखूं, ए मान लो क्यू प्लस एन और बी मान लो क्यू माइनस एन, तो इजी हो जाएगा ना, बोलिए क्योंकि जब हम इसके बारे में a माइनस बी जब लेने जाएंगे a माइनस बी, ये a और ये माइनस और b, तो a माइनस बी में क्या होगा q उड़ जाएगा 2n हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकेंगे, देखिए क्वांटिटी 2 जो है क्वांटिटी 2 जो है मैं डायरेक्ट लिखूं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा a a माइनस बी a माइनस बी q कैंसिल और माइनस माइनस प्लस व 2n, यानी ये 2n का q हो जाएगा, तो इजी होगा ना, प्लस 3ab, देखिए प्लस 3ab a इंटू बी क्या होगा q स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब उतना लंबा चौड़ा से बच जाएंगे, और फिर a माइनस बी तो हम तो देख ही रहे थे 2n आ रहा था, a माइनस बी 2n, तो ये इंटू 2n, तो कितनी आसानी से हमने इसको ब्रेक कर लिया, ये आप गौर कीजिए, नहीं तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। और एक बात है जो आपको देख के समझ में आता है कि यहां क्यू का वैल्यू क्यू इन टर्म्स ऑफ एन होगा, तो आप देखिए होल स्क्वायर है तो पूरा अनुमान है कि यहां भी होल स्क्वायर आएगा, तो जरा गौर कीजिए आप, कम से कम 2n तो कॉमन लेके इधर भेज दें,
टू एन तो कॉमन लेके भेज दे, टू एन को यहां भेज दे, दिस इज इक्वल टू टू एन कॉमन ले लें। बोलिए बोलिए बोलिए। कहने का मतलब मैं चाहता हूं कि थोड़ा फास्ट किया जाए, एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना, पक्का उधर होल स्क्वायर आएगा, तो टू एन, टू एन कॉमन ले लें तो ये सिक्सटीन एन हो जाएगा कि नहीं, एन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, टू एन इंटू एट एन। और ऐसा करने से क्या बचेगा, फोर एन स्क्वायर बचेगा, पावर टू बचा, फोर एन स्क्वायर बचेगा, ये तो बाहर ले चुके, तो प्लस थ्री क्यू स्क्वायर बचेगा, माइनस थ्री एन स्क्वायर बचेगा। अब गौर कीजिए, ये क्या हुआ, एन स्क्वायर ना, एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर आया ना, कट जाएगा कि नहीं, बोली इसका वैल्यू क्या आया, एन स्क्वायर, ये लेस हुआ, एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर, यानी हम डायरेक्टली इसको काट देंगे तो एक बचेगा एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल कर देते हैं यूं ही, तो ये बचेगा सिक्सटीन एन स्क्वायर, और ये वाला वही आएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर। क्लियर, ऐसा करने से थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टीन एन स्क्वायर। देखिए अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हम जानते हैं कि नेगेटिव तो आना नहीं है, इज इक्वल टू रूट फाइव एन, रूट फोर तो टू होता है तो टू से ज्यादा ही हुआ, बताइए क्यों, तो एन जो है क्यू जो है एन का टू एन हाफ टाइम्स है, बोलिए, तो डेफिनेटली हम ये वाला देखिए ये बोल सकते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए इसको, इसका वैल्यू हमने निकाला, रिलेशन बाद में तय करेंगे, ठीक है, और इस वैल्यू को यहां पर लिख देते हैं, फिर थर्ड वाला निकालने के बाद फिर रिलेशन पर जाएंगे। ठीक है, हमने निकाला q इज इक्वल टू, ये जो q था इज इक्वल टू रूट फाइव एन। ठीक है, इसके बाद थर्ड की ओर चलते हैं, थर्ड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी थ्री, क्वांटिटी थ्री में एक अलग तरह की कंसेप्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर कहीं लिखा रहता है ना x by y is equal to a plus b, तो एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक ऐसे ही केस के लिए होता है जहां पर अगर हम यहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ले लें x plus y और नीचे बोल दें x minus y, तो यही काम आप यहां भी कर सकते हैं, ये बड़ा काम का रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भी करेंगे तो होगा लेकिन इसके करने का अपना मायने है। अब देखिए क्या है, अगर हम इसको a, इसको x by y मान ले और 2 by 1 मान ले, x by y और 2 by 1, तो मन में ही हो जाएगा, x plus y बोलेंगे तो ये ट्वाइस बचेगा, देखिए डायरेक्ट बोले ये वाला, इसको यूज करके बोले, दिस प्लस दिस बोलेंगे तो ये कैंसिल, ट्वाइस डायरेक्ट लिख देता हूं, हाँ ये r है, क्वांटिटी थ्री जो है वो r है, डायरेक्ट लिख देता हूं, ये नीचे वाला कट जाएगा तो ये बचेगा ट्वाइस, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस n बाई, अच्छा a माइनस b बोले, a माइनस b बोलेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ट्वाइस r माइनस n इज इक्वल टू टू बाई वन है ना, टू प्लस वन बाई टू माइनस वन, मतलब ये जबरदस्त कंसेप्ट है, और होल स्क्वायर कर देते हैं खत्म हो जाएगा, जल्दी बोलिए, अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, आर प्लस एन बाई आर माइनस एन इक्वल टू थ्री बाई वन है ना, ये थ्री बाई वन, तो क्या हो जाएगा नाइन बाई वन। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर भी चलिए, ये आया 9R माइनस 9N इज इक्वल टू R प्लस N, चलिए जैसे भी कीजिए, हमें R के रूप में चाहिए तो 8R इज इक्वल टू 10N, इसका मतलब डिवाइड कर दीजिए, 4 और 5 आएगा ना 1.25, इसका मतलब R इज इक्वल टू 1.25N, बोलिए जरा, ये समझ गया। अब हम लोग जहां तक रिलेशनशिप का सवाल है, दिखाता हूं, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू और क्वांटिटी थ्री, इस
इसके बीच में ये रिलेशनशिप आपको बताना है कि क्या है। आप मुझे बताइए ये क्या है P, ये क्या है Q और ये क्या है R, यही है ना इसका माने। P का वैल्यू क्या आया था देखिए 0.707 माइनस n यह था। इसके बाद सेकंड वाला क्या था, Q का वैल्यू क्या आया था, Q मतलब यही तो जो निकाले है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5n। और थर्ड वाला क्या है R जो आया था 1.25n। आप मुझे बताइए हर हालत में ये वाला इससे बड़ा है कि नहीं, इससे ग्रेटर है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है कितना होता है, छोड़िए 4 होने से 2 होगा, तो 4 से ज्यादा है तो ज्यादा ही ना होगा, बोले तो इसका जो वैल्यू आया ये ग्रेटर हुआ कि नहीं, ये यहां पर ग्रेटर हुआ कि नहीं, यहां लिखता हूं ग्रेटर हुआ कि नहीं। और यहां पर आइए हर हालत में इससे लेस होगा, एन का वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी रख लीजिए 0 से लेकर के 7.707 और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा ही होगा, ये तो इतना ही वैल्यू है। यहां तो तय हो गया कि इससे ये कम ही वैल्यू आएगा, टोटल रिजल्ट ये तो ज्यादा आएगा, यानी इससे ये लेस है। मुझे बताइए लेस के लिए साइन क्या है, लेस के लिए एंड है, और ग्रेटर के लिए साइन कौन सा है, एट द रेट ऑफ। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ एंड एट द रेट ऑफ। वो ऑप्शन में आइए एंड एट द रेट ऑफ कहां है, एंड एट द रेट ऑफ डी डी एंड एट द रेट ऑफ। ठीक है, बताइए कितना शानदार क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ा होगा। IBPS PO Main 2018 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको सॉल्व करके मैं ये आपके सामने रख देना चाहता हूं कि आसानी से आप ऐसे तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आप मार्जिन लेकर के मैथमेटिक्स में वो मार्जिन लीजिए कि आपकी विजय सुनिश्चित हो जाए। ऑल द बेस्ट।